हाय गाइज, मैं हूँ अश्वनी मौर्य और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अश्वनी मौर्य ओमनीपोटेंट। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि जब हम चारा मशीन को चलाते हैं तो उसमें लगे ब्लेड को जो है कि शार्प करना पड़ता है, यानी उस पर धार लगाना पड़ता है। तो धार लगाने के लिए हम दो चीज़ का यूज करते हैं, जैसे कि ग्राइंडर मशीन हुआ और जो है कि हम उसे फाइल की सहायता से भी धार लगाते हैं। तो ग्राइंडर से क्या हुआ कि जब हमारा जो ब्लेड है ज़्यादा मोटा हो जाता है तो उसको हम जो है कि ग्राइंडर की सहायता से धार लगाते हैं। और प्रतिदिन यानी रेगुलर धार लगाना होता है, या फिर हमें हरा चारा काटना हो, या फिर पुआल काटना हो, या फिर कोई वैसा चारा काटना हो, तो हमें उसके लिए हल्का धार लगाना पड़ता है। उसको हल्का सा जो है कि धार देना पड़ता है। तो उसके लिए हम फाइल का उपयोग करते हैं, यानी रेती का उपयोग करते हैं। तो कौन सा रेती बेस्ट पड़ेगा, यानी कौन सा रेती सबसे अच्छा पड़ेगा धार लगाने के लिए ब्लेड के लिए, तो आइए मैं आपको रेती दिखाता हूँ और बताता हूँ कि कौन सा रेती सबसे ज़्यादा अच्छा पड़ेगा, यानी कौन सा फाइल सबसे ज़्यादा अच्छा पड़ेगा धार लगाने के लिए। तो यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो फाइल है, और यहाँ आप देख सकते हैं ये जो है थोड़ा पुराना फाइल है और ये जो है थोड़ा नया फाइल है, और इन दोनों में काफ़ी अंतर है। पुराना नया का अंतर तो है ही, लेकिन यहाँ इसके जो है कि गुणवत्ताओं में भी अंतर है। यहाँ मैं आपको पास से दिखा देता हूँ, जो है कि यहाँ मैं आपको पास से दिखा देता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये वाला जो फाइल है ये मोटे दाने का है। इसका जो दाना है इसमें जो ये छोटे छोटे कण कटे हुए हैं, बड़े बड़े हैं, और इसमें जो है एकदम ये बारीक है। ये महीन दाना का है, ये महीन दाने की रहती है और ये मोटे दाना का रहती है। तो जो है कि महीन दाना का ये रहती है और ये मोटे दाना का रहती है। और रेती तीन प्रकार की आती है, एक महीन दाने की, एक मोटे दाने की और एक त्रिकोण की, यानी त्रिकोण रेती आती है। तो जो महीन दाने की रेती होती है उससे अगर आप ब्लेड को नुकीला करेंगे यानी धार लगाएंगे, तो क्या होता है कि जो महीन दाने की रेती होती है उससे धार लगाने में कुछ समस्या ये आती है कि इसका दाना जो रहता है काफ़ी महीन होता है, और इससे धार लगाने में कुछ भी हल्का फुल्का अटक जाता है तो ये धार लगाना बंद कर देता है। जैसे कि यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, ये धार इसका जो है कि ये दाना इसका बहुत ही महीन है, और धार लगाते वक्त ये इसका दाना जो है वो जो है कि छोटे छोटे बारीकियों से भर जाता है, और भरने की वजह से ये स्लिप करने लगता है, अच्छे से धार नहीं लगा पता है। तो अगर आपको ब्लेड को धार लगाना है तो ये महीन दाना का रेती यूज कर सकते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा रहेगा मोटे दाने की रेती। मोटे दाने की रेती में क्या होता है कि ये जो है कि बहुत ही आसानी से ब्लेड को बहुत ही फास्ट तरीके से धार लगाता है, और जो है कि ब्लेड से जो भी चूर्ण आता है वो इस मोटे दाने में फंसता है, लेकिन वो ऑटोमेटिक झड़ता रहता है, निकलता रहता है। और महीन दाने में क्या होता है कि वो उसमें जो है कि चिपक जाता है, गिर नहीं पाता है, और अच्छे तरीके से जो है कि महीन दाने की रेती काम नहीं कर पाती है। मोटे दाने की रेती से जो है कि बहुत ही आसानी से धार लगा सकते हैं। तो अगर आप ग्राइंडर मशीन से धार लगाना चाहते हैं तो उसका वीडियो मैं यहाँ एंड स्क्रीन पर दे रहा हूँ, वहाँ जाके आप देख सकते हैं कि ग्राइंडर मशीन से कैसे धार लगाएं। तो अगर आप हमारा यह वीडियो देख रहे हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी तक आपने मेरे चैनल अश्वनी मौर्य ओमनीपोटेंट को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें वीडियो को एंड तक देखने के लिए। धन्यवाद।